सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार की विशेष रिपोर्ट में। आपको बता दें कि हायाघाट प्रखंड है और जिला दरभंगा है। अनुसूचित टोले पश्चिमी पिलासपुर, जिसे नया टोला के नाम से भी जाना जाता है, यह टोला बाढ़ के समय पूरे बाढ़ से घिरा हुआ रहता है और एक तरह से नदी के पेटी में यही गाँव बनाया गया है या बना हुआ है। बता दें आपको कि इस पश्चिमी बिलासपुर के मुखिया सफीउर रहमान बउआ मियाँ ने आज फिर एक बड़ा काम किया है और एक पॉजिटिव काम किया है। इस महामारी के बीच में जब लोगों का रोजगार छीन गया, जो रिक्शा चलाने वाले लोग थे, जो रोजमर्रा के ऊपर काम करते थे, उन 200 परिवारों को चिन्हित कर आज बउआ मियाँ ने फिर एक पैकेट बनाया जिसमें चावल, दाल, आलू, प्याज, तेल, नमक, सभी चीज़, जो बिस्किट है, वो सभी चीज़ इकट्ठा कर एक थैली में पैक कर 200 परिवारों को चिन्हित कर आज फिर वितरण किया गया है। बहुत ही बड़ा पॉजिटिव न्यूज़। आपको बता दें, हायाघाट प्रखंड से ऐसे लोगों की ज़रूरत हमारे समाज में है जो मुखिया होते हुए भी, खुद बीमार रहते हुए भी इस तरह के काम लगातार कर रहे हैं। अपने जो क्षेत्र के लोग हैं, जो अपने उनके पंचायत के गरीब लोग हैं, ये उन्हें चिन्हित कर, जैसे जो जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, जिन लोगों के पास कोई साधन नहीं है, उन लोगों को ये राशन वितरित कर रहे हैं लगातार। इससे पहले भी उन्होंने तेल, उन्होंने साबुन वितरण किया था, उसके बाद बिस्किट वितरण किया था बच्चों के बीच, अब जाकर ये चावल दाल वितरण कर रहे हैं। आपको बता दें, इस महामारी के बीच सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि कुछ ना कुछ अपनी गरीब जनता के पीछे, आपके आस पास जो लोग भूखे सो रहे हैं, उनको दान करें, उनको उन्हें मदद करें। लगातार प्रखंड जो प्रधानमंत्री के राहत कोष में भी लोग दान कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के राहत कोष में भी लोग दान कर रहे हैं, लेकिन उसके आसपास जो लोग गरीब लोग हैं, जो भूखे सो रहे हैं, उनके लिए भी सोचना चाहिए। आइए विशेष कवरेज के रूप में देखते हैं। शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। खुद बउआ मियाँ ने इस बारे में क्या कहा है वो सुनाएंगे, जिन लोगों को मदद मिला है उन्होंने क्या कहा वो सुनाएंगे। शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, मदद यहाँ के जनप्रतिनिधि और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, सारे लोगों के सहयोग से ये काम हो रहा है। सिर्फ इस नियत से हम लोगों ने ये काम किया है कि जितने लोगों के गोदाम में पैसा भरा हुआ है, माल भरा हुआ है, उनको भी हया और शर्म आवे कि कम से कम गरीब और गुरबा के बीच आवे और अपनी मदद करें। अभी मदद की जरूरत है, हर हाल में एक एक लोगों को मदद की जरूरत है। हम लोग इस लायक तो है भी नहीं कि हमारी औकात भी नहीं हम लोग कुछ कर पावे, लेकिन सब लोगों के सहयोग से ये जो हो रहा है, इसकी हमको भी सही ढंग से जानकारी नहीं है कि कैसे क्या हो रहा है नहीं, लेकिन हम लोगों ने इस प्रोग्राम, ये हमारे पंचायत समिति सदस्य जी हैं, है नहीं, पुराने लीडर हैं डॉक्टर शुएब साहब, नदीम साहब, है नहीं, मास्टर नाहिद साहब हमारे, राम बालक जी, उद्दन जी, सरपंच साहब, अनवर साहब, अकबर साहब आ रही है, सब लोग हम लोग मिलकर के प्रोग्राम बनाए कि भाई इस मुसीबत की घड़ी में सरकार ही सब कुछ करने आवेगा तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे। आप तो ठीक है, मुखिया भी हैं और कहीं ना कहीं आप बीमार भी थे इस समय पहले, बहुत दूर दूर से आपके लिए मैसेज आ रहा है कि मुखिया जी सलामत रहे, ऐसा करके ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं, दूर जो प्रदेश में रहते हैं, आपके गांव के लोग हैं, आपके चाहने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है कि लोगों ने अगर मुझे सराहा है। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि जो लोग ये बात बोल रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत याफ्ता रखे, इस बीमारी से दूर रखे, पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया की हिफाजत अल्लाह पाक करे और खास तौर पर हमारे भारत को बचा ले मालिक अपनी इस आफत से। एक सवाल है आपसे कि आप बीमार भी थे और बीमार रहते हुए भी इस तरह से आप एक्टिव हैं, तो क्या इसके बारे में क्या मतलब हुआ? ये हम कैंसर के मरीज हैं, हम लगातार हम इलाज में हैं, लेकिन एक दिन हम भी पैक हुए। पैक जो हुए तो हमको ये एहसास हुआ कि मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे स्टेट के मुख्यमंत्री, अरे हमारे हायाघाट के BDO साहब, CEO साहब, थाना प्रभारी जी, सरकार साहब हैं, है नहीं, सब लोग के निश्चित हम दिलो जान लगाए हुए हैं। हमको अपने आप में बड़ी गैरत हुई कि नहीं, मरना तो एक दिन है, अगर जनता की सेवा कर 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 मर गए तो ये अपनी खुशनसीबी समझेंगे, ये बहुत अच्छी बात होगी। इसलिए ईश्वर की मदद से, ईश्वर के हुक्म से हम लोगों को हुक्म है कि भाई ये बीच में घूमो, चाहे जितना कष्ट हम ये कह रहे हैं, भाई दो टाइम हम खा रहे हैं, तीन टाइम, बहुत सारा घर ऐसा है जहाँ बच्चों को भी एक बिस्कुट नसीब नहीं हो रहा है, बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनको सही टाइम सही से दो टाइम खाना नहीं मिल रहा है। हम लोग खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, बजाय उसके कि हम एक दिन का एक टाइम का खाना खुद रोकें और उस पैसे को, उस खाने के पैसे को गरीबों के बीच ले जाकर वितरण करें। कौन सा जगह पे वितरण किए आज? आज बरात में 8 नंबर वार्ड अनुसूचित मोहल्ले में। कौन सा टोला है ये? अनुसूचित मोहल्ला है। अच्छा।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया। सिर्फ मुखिया जी से मिला है कि और किसी से मिला है? सिर्फ मुखिया जी से मिला। मुखिया जी से ही मिला है। तो मुखिया जी के इस कदम को कैसा मानते हैं? सही मानते हैं। सही मानते हैं, सही। इस तरह के काम को करना चाहिए, करना चाहिए। अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कौन सा गाँव? अच्छा, बिलासपुर। ठीक है, क्या नाम है? क्या क्या है आपके, जो आपको पैकेट मिला है उसमें क्या क्या है? दाल, चावल, जी, तेल, आलू, प्याज। तो मुखिया जी फोन किए थे आप लोगों को कि बुलाने के लिए गए थे? बुलावे लगी आदमी, बुलाने के लिए गया था कि आप लोगों को मिलेगा ऐसा। क्या करते थे आपके पति? रिक्शा चलाते थे। तो रिक्शा चलाते थे, अभी रिक्शा भी ठप हो गया होगा, काम बंद है, तो मतलब अभी कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करते हैं। तो कैसा रोजी रोटी चल रहा है, खाना पीना कैसा चल रहा है अभी? एक साथ खाते, एक साथ भूख मरते, एक साथ खाते हैं। तो मुखिया जी के अलावा और कोई दिया है अभी तक कि मुखिया जी दिया है? अच्छा, सरकार की तरफ से कुछ मिलने वाला है, पता है कि नहीं? कुछ नहीं, राशन कार्ड में नाम नहीं है आप लोगों का? अभी तक नाम नहीं है। तो मुखिया जी से कुछ बोले कि नहीं कि राशन कार्ड में नाम हमारा जुड़वा दीजिए? बोले। क्या बोले? बोला जुड़वा देंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? रवीना खातून। पैकिंग में लगे हुए थे, क्या कहना चाहते हैं गरीबों के मदद के लिए? इनके नेतृत्व में बिलासपुर पंचायत के जो मुखिया हैं सफीर रहमान भुआ भाई, उनके नेतृत्व में हम लोग जो भी जनप्रतिनिधि हैं और समाज में गणमान्य व्यक्ति हैं, उन लोगों के सहयोग से और ये लगभग हर वार्ड में 12-14-15 आदमी का लिस्ट है, उसके बांटा जाएगा। ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं है। तो पहली प्राथमिकता हम लोगों का यही हुआ कि उन लोगों को दिया जाए, चूँकि सरकार जो है, सरकार ने कहा है कि राशन कार्ड जिनके पास है उनको राशन भी दिया जाएगा और 1,000 या 2,000 जो भी सरकार का ही है वो दिया जाएगा। तो ये लोग तो छूट रहे हैं, इसलिए पहले हम लोग इन लोगों को देने तो का ये एक चीज बड़ी बात है कि राशन उनको दिया जा रहा है, लेकिन इनका राशन कार्ड में नाम जुड़े इसके लिए क्या कर रहे हैं? हाँ, उसमें कुछ ऐसा मुखिया जी कर रहे हैं कि कुछ लोगों को चिन्हित करके उनका नाम जोड़ा जाएगा और प्रयास है इनका कि जो इस टाइप के जो छूटे हुए पंचायत में हर वार्ड में है उन लोगों को सरकारी सहायता भी मिले। बिलासपुर वासियों से, सारे लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हर लोग लॉकडाउन का समर्थन करें और अपने अपने घरों में पैक रहें, क्योंकि पैक रहना ही आपका सुरक्षित है। जब तक हम लोग पैक नहीं रहेंगे, इस कोरोना जैसे बीमारी से आपको संघर्ष करना होगा, तभी हम जीत हासिल करें। क्या नाम है? मेरा नाम अंजार जमान, पंचायत समिति सदस्य। बीमार भी बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, उसके बाद भी वायरस कोरोना जैसे बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूकता है, सोच रहे हैं कि कैसे भी जनता की हमारे से मदद हो। अभी बिस्कुट, उसके बाद साबुन वगैरह बांटे हैं, आज फिर राशन बांट रहे हैं, चाह रहे कि जनता को किसी हाल में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इतना करने के लिए बहुत कुछ चाहिए, समय चाहिए, अपना शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, पैसों की भी ज़रूरत है, ये सब कैसे मेंटेन करते हैं आप लोग? वो तो ऊपर वाला ही देता है, चाहे जैसे भी दे, इस तरह जनता के बीच में पहुँच जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नदीम। सहयोग हमारे फिरनिया पश्चिमी बिलासपुर के मुखिया जी का है कि उनके अध्यक्षता में ये सारा काम हो रहा है। हमारे पंचायत के जितने प्रतिनिधि हैं सभी का इसमें योगदान है और सब मिलजुल करके जो है इस महामारी बीमारी से दौड़ धूप कर करके गांव के अंदर जो है सबका देखभाल किया जा रहा है। और ये उस गरीब मध्यस्थ लोगों में दिया जाएगा जो मजबूर है। 15 वार्ड है सिरनिया पश्चिमी बिलासपुर, उसमें जो हर वार्ड में 10-15 आदमी जो चिन्हित कर करके दिया जा रहा है। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शकील अहमद। क्या है आप? उप सरपंच। कहाँ के? सिरनिया पश्चिमी बिलासपुर। सब लोग डाले पड़ेगा तेल नहीं, उसको अलग रखें।